पानीपत में किसान महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचे। आपको बता दें, आज पानीपत में किसान महापंचायत बुलाई गई है, जिसके चलते वहां पर तमाम जो किसान है वो पहुंचे हैं। भारत बंद से ठीक एक दिन पहले महापंचायत का आयोजन किया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता महापंचायत में पहुंचे। पानीपत पहुंचने पर टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें बाइक्स ट्रैक्टर के काफिले के साथ महापंचायत तक लाया गया। तो वहीं इस मौके पर भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अभी शांत हैं, अगर हमें क्रोध आ गया तो प्रधानमंत्री की कोठी के सामने बैठा जाएगा। हमने वोट देकर सरकार बनाई, हमारे पास बदलाव की भी ताकत है, सरकार तो किसान ही बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसे वहीं बैठा लें, हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी आती है। तो पानीपत में यहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आप सुन रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, भारत बंद से ठीक एक दिन पहले हरियाणा के सोनीपत में किसानों की महापंचायत हुई है, नई अनाज मंडी में, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, जैसे कल भारत बंद का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, उसी की कल को भारत बंद का जो ऐलान किया गया उसी को लेकर आज सुबह से ही पंजाब की तरफ से काफिला और हरियाणा की तरफ से काफिला यहाँ पानीपत में जो किसान महापंचायत है यहाँ पर पूरा काफिला यहाँ पर सुबह से ही दिखाई दे रहा था। ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर यहाँ किसान पहुंच रहे थे और जो महिलाएं हैं यहाँ भी काफी संख्या में यहाँ पर उनकी भागीदारी देखने को मिल रही है। सुबह से ही जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है वो समय पर यहाँ पर पहुंच चुके थे और उन्होंने मंच संभाला हुआ था। उसके बाद कुछ समय बाद राकेश टिकैत भी यहाँ पे पहुंचे। और अगर हम बात करें पंजाब के जो और किसान नेता है वो भी काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत बड़ी किसान महापंचायत यहाँ पर चल रही है। जो कृषि कानूनों जो उनके विरोध में लेकर जो कल भारत बंद का ऐलान इन्होंने किया है उसको लेकर यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चल रही है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया है। और यहाँ पर जो राकेश टिकैत हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं और जो और भी किसान नेता हैं उन्होंने भाजपा जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, उनके ऊपर भी काफी यहाँ पर बयानबाजी की है, बड़ी तीखी प्रक्रिया करी है कि जब तक ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तब तक हमारे धरने प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। अंकुर, जिस तरह से पिछले साल केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन तो चल रहा है और जिस तरह से 27 सितंबर यानी कि कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या उसके लिए भी किसी तरह की कोई रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है? क्योंकि जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उससे तो साफ नजर आता है किसान जो है अभी शांत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें अगर क्रोध आया तो प्रधानमंत्री की कोठी के सामने भी बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब सुबह से ही जब हम यहाँ पर एनबी की टीम सुबह से यहाँ मौके पर खड़ी है तो यहाँ पर साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि कितनी संख्या में यहाँ किसान पहुंच रहे हैं। भारत बंद का ऐलान किया गया और काफी संख्या में जो महिलाएं हैं उन्होंने भी यहाँ पर भागीदारी की है। और यहाँ पर अगर सुरक्षा के जो कदम है वहाँ वैली रेंटर्स के अलावा यहाँ पर बाउंसर भी यहाँ पर खड़े किए गए थे कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। तो जब यहाँ पर सारे आला जो किसान नेता है यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने केंद्र सरकार पर जो साधा निशाना है कि कल तो हम भारत बंद का ऐलान किया है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हम पूरी तरीके से जो जीटी रोड है वो बेल्ट बिल्कुल बंद रखेंगे
और उसके बाद अगर फिर भी ये सरकार केंद्र सरकार नहीं मानती है तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद अंकुर तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो किसान महापंचायत हुई है जिसमें राकेश टिकैत और चढ़ूनी पहुंचे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में लगातार जिस तरह से रोष जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा, और इसी कड़ी में पानीपत में महापंचायत का आयोजन किया गया है।